चुका है। उन सभी को मैं आज विजयदशमी को बधाई देना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप 10,000 पार हो चुका है, 10,000 प्लस ही होगा। पे कैसे बैठा है भाई, टॉयलेट करने बैठा है कि देखने बैठा है? ये रावण दहन का जो प्रक्रिया है उसे भव्य तरीके से मनाया जाए। यहाँ पे तो देखते मित्र लोग भी यहाँ पे उपस्थित हो गए, तार की तेरा वाली मैया की। तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे ब्लॉग वीडियोस में। आपके बीच आ गए हमारे छेदी जी, इनका नाम है छेदी जी, यानी कि बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं कहाँ, आज रावण का दहन होने वाला है। तो वही आज आप सभी को यहाँ का व्यूज दिखाने वाला हूँ कि कैसा रहेगा। तो वाक्य में मैं बता दूँ कि काफी तादार और काफी ज्यादा भीड़ लगी है यहाँ पे। तो आप सभी को यहाँ का व्यूज दिखाने, आप सभी का भाई आप सभी के बीच आ गया है। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ पे काफी जो भीड़ बढ़ते जा रही है, मैं अनुमान कहता हूं कि मिनिमम 10,000 से ज्यादा भीड़ होंगे। और यहां पे बस कुछ ही देर में रावण महाराज का क्या दहन होने वाला है, अभी को मैं दिखा रहा हूं। तो देख सकते हैं सामने का व्यूज कैसा है, नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि यहां पे काफी ज्यादा भीड़ बढ़ चुका है। तो आप सभी का भाई यहां पे आ गया लाइव दिखाने, आप सभी को देख सकते हैं यहां पे रावण महाराज खड़ा कर दिए गए हैं और कुछ ही देर में यहां पे दहन किए जाएंगे। तो आप सभी को यहां का व्यूज मैं दिखा रहा हूं, तो देख सकते हैं एक बार सामने का व्यूज कैसा है, शोरगुल मचाए जा रहे हैं। और एक बार यहां पे देख सकते हैं लोगों का जो तादार भीड़ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10,000 से ज्यादा भीड़ है। तो एक बार देख सकते हैं यहां पे सभी हमारे गार्जियन बड़े भैया लोग हैं, काफी ज्यादा भीड़ ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कहां पे आ गया हूं। लेकिन आप सभी को बता दूं, वास्तव में ऐसा भीड़ मैं आपको क्या बताऊं कि लगातार 10,000 से ज्यादा भीड़ लगी है यहां पे, और लोगों का जो आवागमन है काफी ज्यादा है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे कम से कम 10,000 से ज्यादा भीड़ होंगे। तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे प्रोफाइल पे, हमारे यूट्यूब पे कहीं से अगर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रावण महाराज, देखे 20 फुट का लंबाई है। आपको इसके पहले वाले वीडियोज में आपको दिखाया हूँ, जस्ट नाउ तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में पोस्ट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका लंबाई कम से कम 20 फुट है। तो चलिए आप सभी को, हमारे गार्जियन समान यहाँ पे है, सभी चाचा जी लोग और हमारे जाफरपुर पंचायत के मुखिया जी यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। तो चलिए उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज विजयदशमी का दिन है, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों का आपका सबसे बड़ा कि विजयदशमी का मैं हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं उन लोगों का, तमाम दर्शक जो आपके देखने वाले हैं, जी रोशन गुप्ता ब्लॉग को, जी उन सभी को मैं आज विजयदशमी को बधाई देना चाहता हूँ। जी और साथ ही आपको भी बधाई देना चाहता हूँ विजयदशमी को, जो आपने जो हमारे जाफरपुर का मेला का जो कवरेज कर रहे हैं, जी उसको देख करके अति प्रसन्न हम लोग हैं। और आपका जो भी ब्लॉक है उसको सारे लोग देखें और फॉलो करें। जी यही है, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। और एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ के भीड़ के बारे में आप कहना चाहते हैं? ये भीड़ के बारे में क्या कहना है, आपका तो मोबाइल ही बता रहा है, आपका ब्लॉग ही बता रहा है कि कितना भीड़ है। आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, आप खुद बताएं कि यहाँ का भीड़ कितना नजर आ रहा है, लोगों का तादार भीड़। अभी तो लगभग हजारों हजार के संख्या में भीड़ है। ऐसा एक बार मैं आपको फिर से यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप भीड़ का जो तादार भीड़ है, यानी कि ये आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है आप सभी का भाई। इतना तादार भीड़ लगा है कि मैं आपको क्या बताऊं, मिनिमम 10,000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। और आप सभी का भाई को इतना ज्यादा प्यार दुलार मिलता है, काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही, मुझे चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो चलेंगे और आगे का भी सीन आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा इन तक सीन करेंगे और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का भाई पूरा लाइव दिखा रहा है, तो देख सकते हैं मेन रास्ता यहाँ से है, जो लोग अंदर आ रहे हैं, जो भी कुछ ही देर में रावण को दहन किया जाएगा। तो वही आप सभी को मैं यहाँ का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ। तो आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ का देख सकते हैं जो दर्शक लोग आए हैं, काफी ज्यादा रेलम रेल भीड़ है। आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं जो दर्शक लोग हर जगह से, यानी कि काफी दूर दूर से आए हैं यहाँ पे देखने के लिए,
सभी दर्शक लोग यहाँ पे अपना कीमती समय देकर आज विजयदशमी के दिन रावण को दहन किया जाएगा। तो यानी कि कुछ ही देर में देख सकते हैं हर जगह पे मोबाइल, हर जगह पे सभी लोग उपस्थित हो गए हैं और वहीं पे आप सभी का भाई यहाँ पे आप सभी को दिखाने के लिए आ गया है। तो देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे कुछ भैया यहाँ पे आ गए हैं। तो भैया कैसे हैं? अच्छा, मजे में है ना? क्या देखने आए हैं आप यहाँ पे? ये बस सामने ऐसे करके दिखा रहे हैं, ये देखने आए हैं। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा रेल भीड़ नजर आ रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ का जो तादाद है, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। ये जाफरपुर के शिव मंदिर के प्रांगण में, मैं आपको बता रहा था कि जाफरपुर के शिव मंदिर के प्रांगण में यह रावण को यहाँ पे खड़ा किया जाएगा। रावण का मिनिमम लंबाई होगा 20 फुट के आसपास। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है यहाँ पे, आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। तो देख सकते हैं लंबाई जो है 20 फुट है रावण का, और यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हो गए, यानी कि कीमती समय देकर यहाँ पे आ गए हैं रावण का जो दहन होने वाला है। देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। तो चलिए आप सभी को फिर से दिखाना चाहूंगा। मुझे लगता है यह बहुत ही भव्य तरीके से आज रावण का दहन किया जाएगा, बहुत ही भव्य तरीके से। आज लोगों का जो आवागमन यहाँ पे भीड़ लगा है, काफी ज्यादा भीड़ लगा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं एक बार फिर से मुखिया जी से कुछ बातचीत करने वाला हूँ और आप सभी को कुछ से बताने वाला हूँ। तो मुखिया जी, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हर साल तो ऐसे ही बांस पे जो किया जाता है रावण को खड़ा, और जिस हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन जितना भी बनाया जाता है वो कम नहीं है, लेकिन अगले बार जो हमारे दर्शक देखेंगे, क्या उनको इस साल से बेहतर मिलेगा क्या? कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जब ये दुर्गा पूजा शुरू हुआ जी तो लगभग हमने 10-15 साल से हम लोग जब अपने ऊपर हुए, नवजीवक लोग हुए, तो यहाँ रावण दहन का या रावण वध का जो भी कहिए उसको हमने आयोजन हम लोग शुरू किए। यहाँ के ग्रामीण लोगों ने आयोजन शुरू किया और जहाँ तक हम लोग इसी तरह करते आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का जो भीड़ जुट रही है, जैसे हजारों हजार के संख्या में पब्लिक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 10,000 पार हो चुका है, 10,000 प्लस ही होगा, 10,000 प्लस है। लेकिन इसमें जो है हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे ग्रामीण, हमारे जाफरपुर खुटाही के जितने भी लोग हैं जी सभी लोग से आग्रह करेंगे कि वो लोग अगली बार जो ये रावण दहन का जो प्रक्रिया है उसे भव्य तरीके से मनाया जाए, एक अलग पहचान बनाया जाए कि जैसे दर्शक लोगों का संख्या बढ़ा हुआ जी। तो पहले इन्हें गुने लोग को मालूम होता था, अब इतने लोगों को मालूम हो कि जाफरपुर बाजार में जो दुर्गा पूजा है, विजयदशमी को रावण दहन होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने पंचायतवासी, कुटाई के पंचायतवासी सभी से आग्रह करेंगे कि अगली बार इससे भी बेहतर से बेहतर हो सके कि रावण दहन का प्रोग्राम रखा जाएगा और पब्लिक को इससे भी अच्छी सुविधा देने की कोशिश किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा कि जो रावण दहन का जो आयोजन जो किया जा रहा है, ये लगभग कितने साल से किया जा रहा है? लगभग 15 से 20 साल से हम लोग कर रहे हैं। 15 से 20 साल से। और उससे पहले नहीं होता था क्या? नहीं, उससे पहले नहीं होता। जब हम लोग आए इस रीजन में जी जब हम लोग बच्चे थे, तो हम लोग जब नौजवान हुए, जब हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता लोग सब लोगों ने जब इसमें भीड़ा, तो उसके बाद ये रावण दहन का प्रक्रिया सभी लोग एक साथ सोच विचार किए कि इस तरह से करना चाहिए। गार्जियन थे स्वर्गीय अजय गुप्ता जी, उन्हीं का देन है कि हम लोग रावण दहन का जी प्रोग्राम शुरू किए। आज जी। वो हम लोगों के बीच नहीं है, आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं जी उनको नमन कर रहे हैं। उन्हीं का देन है कि आज हम लोगों ने रावण दहन का प्रोग्राम इस जाफरपुर में रखा गया। तो मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये आज का जो व्यू है, ये किसी ऐसा माहौल यहाँ पे खड़ा किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जाफरपुर में नहीं, हाँ, अयोध्या में आप खड़े हैं। क्या मुखिया जी? सही बात है। कहे कि आज का जो भव्य तरीके से भीड़ लगा हुआ है, ये कोई अयोध्या से कम नहीं है। हमारा जो मिट्टी, जाफरपुर का जो जन्म स्थल है, ये हमारा अयोध्या से कम नहीं है। लेकिन अभी तक जितना भी यहाँ पे उपस्थित कराए गए हैं, यानी कि रावण दहन के लिए, वो किसी अयोध्या से कम नहीं है। लेकिन अगले बार जो किया जाएगा, सुविधा से लेके हर एक चीज तक,
यानी कि अभी तक कोई कमी नहीं हुई है। आप मेला में हमारे लाइव में जितने लोग देखे हैं, क्या हर प्रकार की सुविधा दी गई थी हमारे दर्शक को? हर प्रकार की सुविधा है, प्रशासन से हर चीज किया गया था। ये प्रशासन पूरे मेला को निगरानी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, मेरे नवयुवक के द्वारा किया जा रहा है। किसी आम पब्लिक को, किसी दर्शक को कहीं से कोई कठिन माने दिक्कत नहीं हो, उसके लिए हम लोग एकदम तत्पर खड़े हैं। यानी कि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं ईमानदारी से इस काम में लगे हुए हैं। जी जी, वही आप सभी को मैंने यहाँ का लाइव दिखाया तो आप बहुत सारे लोग मुझे बोले कि अभी तक मुझे जाफरपुर में कोई ऐसा लोचा नहीं दिखा, क्योंकि मैं पूरे मेला का कैप्चर किया लाइव, मुझे तो ऐसा थोड़ा सा भी कहीं से कमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस बार में जो मेला लगा हुआ काफी भव्य तरीके से और काफी इतिहास रचने वाला है, क्या मुखिया जी इतिहास रचने वाला है अपने जाफरपुर का? जाफरपुर इतिहास रचने वाला। तो बोले सच्चे दरबार की, तेरा वाली मैया की, जय श्री राम।